लेके आया हूँ आपके लिए टीजीटी का सेकंड सब टॉपिक पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बारे में सेल्डन ने क्या कहा और जेरार्ड कशनर ने क्या कहा, तो टीजीटी में दिया है, वहाँ पर कशनर दिया है, एक बार आप पेपर में देख लें। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेल्डन और कशनर के द्वारा वर्गीकरण, तो ये जो कशनर नाम है ये कशनर नहीं है, क्रेसमर होगा। तो इसके द्वारा जो वर्गीकरण है पर्सनालिटी पर या उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहें। और ये जो हम सिलेबस देख रहे हैं टीजीटी यूपी बोर्ड का है, लगभग आप किसी भी स्टेट में रहते हो सिलेबस 80% सेम ही रहता है, 20% थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, टॉपिक पर्सनालिटी बाय सेल्डन एंड जेरार्ड कशनर, सब टॉपिक इज मीनिंग एंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी। सो चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्रेसमर और सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण या कह सकते हैं, अब सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तित्व क्या होता है, मीन्स व्हाट इज पर्सनालिटी एंड मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। द वर्ड ऑफ पर्सनालिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना मीनिंग द मास्क। अगर साधारण शब्दों में पर्सनालिटी का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है बाहरी दिखावा, मतलब आप हैं कुछ और दूसरों को शो कुछ और कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, इसी को बाहरी दिखावा कहते हैं। जो आप हैं नहीं वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पर्सनालिटी के जो गुण हैं वो इस तरीके से होंगे, व्यक्ति की प्रकृति संगठनात्मक एवं गयात्मक होती है। इसको आप इंग्लिश में इस प्रकार कह सकते हैं, द नेचर ऑफ पर्सनालिटी इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायनामिक। कि जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है संगठनात्मक होनी चाहिए और गयात्मक होनी चाहिए। संगठनात्मक का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। सेकंड है, व्यक्तित्व में मनो शारीरिक दोनों गुण पाए जाते हैं, मीन्स वो दिमाग से भी और शरीर से दोनों तरीके से फिट होना चाहिए या दोनों तरीके से तैयार होना चाहिए। ये गुण होते हैं पर्सनालिटी के, कि आप दिखने में कैसे हैं और आपकी सोच कैसी है। बोथ साइको एंड फिजिकल क्वालिटीज आर फाउंडेड इन पर्सनालिटी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। जो थर्ड हमारा है, व्यक्तित्व साधारण के साथ समायोजन के रूप में अविलक्षित रहता है। हम यहाँ पर ये समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि व्यक्तित्व जो होता है वातावरण के साथ समायोजन के रूप में अविलक्षित रहता है, मीन्स जैसा वातावरण उस हिसाब से व्यक्तित्व होगा। और वातावरण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, अगर आप हाई सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप होगी, अगर आप लो सोसाइटी में रहते हैं तो वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वैसे ही बात करने का तरीका, रहने का ढंग, ये सब चीज़ें इस पर वातावरण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पर्सनालिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, आप इसको कह सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में शारीरिक गुण जैसे शारीरिक संगठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत करने का ढंग तथा मनोवैज्ञानिक गुण जैसे ईमानदारी, परोपकारिता, सामाजिकता आदि पाए जाते हैं। तो पर्सनालिटी को आप देख सकते हैं किसके बारे में क्या क्या बताया गया है। अब बाकी यहाँ पर तो बहुत सी चीजें दी हुई हैं, सबके अनुसार टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दिया गया है, मगर हम लोग जो मेनली बात करने वाले हैं क्रेसमर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्रेसमर एंड अकॉर्डिंग टू सेल्डन बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखा देता हूँ कि टाइप ऑफ पर्सनालिटी अगर आप देखेंगे तो कितने लोगों ने क्या क्या बोला है इसके बारे में। इसके बाद में हम लोग क्रेसमर और सेल्डन के बारे में बात करेंगे, क्रेसमर ने क्या बताया है, सेल्डन ने क्या बताया। पहले आप इसको देख लीजिए मैंने कितना मटेरियल आपके लिए लेकर आया हूँ, मगर मैं एक्सप्लेन वही करूंगा जो टॉपिक में है। ये मैंने पीडीएफ तैयार की है खुद से, हर जगह से सर्च मार के सब चीजें आपके लिए निकाली हैं, तब जाके इतना मटेरियल मिला है, तो आपने देख लिया। अब डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू क्रेसमर, इन्होंने क्या बोला है। क्रेसमर के अनुसार इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू क्रेसमर देर आर फोर टाइप्स। फर्स्ट इज एस्थेनिक मीन्स लंबकाय, सेकंड इज एथलेटिक मीन्स सुडोलकाय, एंड थर्ड इज पिकनिक मीन्स गोलकाय, एंड फोर्थ इज डॉप्लास्टिक मीन्स मिश्रितकाय। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इनका मतलब क्या होता है। जो क्रेसमर ने बताया लंब का है, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग दुबले पतले होते हैं या दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं। इनका भार लंबाई के अपेक्षा कम होता है तथा ये अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। जो लोग लंबे होंगे उनके 80% चांस दुबले होने के होते हैं, बहुत कम ही परसेंट ऐसा होगा कि जो लंबे भी हों और ठीक उस हिसाब से उनकी चौड़ाई भी हो। और ज्यादा लंबे जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों से घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। बी सुडोल का है, जो सुडोल का होते हैं उनको हम लोग एथलेटिक बॉडी बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, इनका कद ना अधिक लंबा होता है ना ही छोटा होता है ना ही अत्यधिक छोटा, अर्थात यह स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। इनकी बदली हुई परिस्थितियों में आप अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, इसी कारण इनको सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। मीन्स कहने का ये है कि इनकी बॉडी एथलेटिक होती है, ये शरीर से भी देखने में अच्छे होते हैं और एकदम फिट होते हैं। थर्ड इज गोल का है, जिनको पिकनिक बोलते हैं,
ऐसे व्यक्ति नाटे मोटे होते हैं, इनकी गर्दन छोटी और मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति खाने पीने का भरपूर आनंद लेते हैं और वे खुश मिजाज होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों की लंबाई कम होती है और काफी ज्यादा मोटे होते हैं, खुश मिजाज ज्यादा होते हैं। मीन्स उनके बात करने का तरीका हुआ बहुत अच्छा होता है और काफी ज्यादा आनंद पूर्वक रहते हैं, मीन्स हंसते रहते हैं। उनके बात करने का तरीका एक अलग ही होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है। और जो नेक्स्ट यहाँ पर डी दिया गया है मिश्रित काय का मतलब यह होता है वो लंबे भी होंगे और एथलेटिक बॉडी के भी होंगे और वो छोटे भी हो सकते हैं, उनमें तीनों गुण रहते हैं, इस वजह से उनको मिश्रित काय बोला जाता है। मीन्स वो एकदम मिक्स होते हैं। ऊपर जो तीनों क्वालिटियां दी गई हैं वो तीनों उनमें हो सकती हैं। ये आपने यहाँ पर देखा। क्रेसमर के अनुसार टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, इन्होंने चार भागों में बांट दिया था, लमका, चुड़ैलका, गोलका, मिश्रित, और इनके बारे में यहाँ पर ये बता दिया। तो क्रेसमर के अनुसार ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेल्डन के अनुसार। सेल्डन ने भी यहाँ बताया लंबकार, आयताकार, गोलाकार। लंबाकार में जैसे कि क्रेसमर ने बताया था लंबकार ऐसे व्यक्ति जो लोग दुबले पतले होते हैं, दूसरों से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, ऐसा ही कुछ सोचना उनका था कि एक तो लंबाकार में बांट दिया जो लोग लंबे होते हैं, और आयताकार में इन्होंने उन लोगों को रखा जो एथलेटिक बॉडी के होते हैं, मीन्स ना ज्यादा लंबे हैं ना ज्यादा चौड़े हैं, एकदम फिट हैं और दिखने में भी अच्छे हैं, इनकी पर्सनालिटी अच्छी है। गोलाकार तीसरा जो इन्होंने सी बताया, गोलाकार में इन्होंने ऐसे लोगों को रखा जिनकी लंबाई ज्यादा नहीं है, चौड़ाई ज्यादा है, मीन्स ये कह सकते हैं नाटे मोटे लोग। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ये नाटे मोटे लोग जिनकी गर्दन छोटी होती है और मोटी होती है और खाने पीने में भरपूर आनंद लेते हैं, तो इन्होंने भी ठीक इसी प्रकार इसको यहाँ पर व्यक्त किया है, बस इनका थोड़ा सा वर्ड यहाँ पर चेंज हुआ है। तो इस तरीके से सेल्डन ने भी पर्सनालिटी टाइप को एक्सप्लेन किया है। लंबाकार मीन्स जिनकी हाइट ज्यादा है, आयताकार मीन्स रेक्टेंगल टाइप के लोग, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, मीडियम साइज पीपल। और ये गोलाकार में इन्होंने रख दिया है कि ज्यादा गोल मटोल होते हैं, छोटे टाइप के लोग, जिनकी जिनका कद भी ज्यादा नहीं है और मोटाई बहुत ज्यादा है, और ऐसे लोग हंसमुख ज्यादा होते हैं और उनकी बातों में बात करने का जो एक अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। आपने अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा देखा होगा। तो इस प्रकार ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत छोटा टॉपिक था, कोशिश की है मैंने आपको बताने की, हो सकता है आपको समझ में आया भी होगा। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें टाइप ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू क्रेसमर एंड अकॉर्डिंग टू सेल्डन मैंने आपको बताया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैंने तैयार कर लिया है, वो भी आपको एक दिन में मिल जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और बस मैं वही चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा जो ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।